हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मंथली एनालिसिस भी करेंगे, वीकली एनालिसिस भी करेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो जितने लोग ऑप्शन सेल करते हैं उन लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, और जिन लोग बाई करते हैं, मैंने आपको कल के वीडियो में रिकमेंड किया था, अभी 1:1, 1:2 इस तरीके का प्रैक्टिस करो, क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको बहुत अच्छा दिखेगा ट्रेड, लेकिन गैप डाउन खुल जाएगा, नेक्स्ट डे आप कॉल होल्ड करके रखोगे। तो ये सारे पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो, इंट्राडे में ट्रेड करना प्रैक्टिस करो, इतने लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि जब प्रीमियम क्या होता है, मार्केट मोमेंटम किया, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे वो मंथली चार्ट के अंदर। चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। यहां से अगर हम लोग देखेंगे, 2 मंथ मूवमेंट करने के बाद ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास इस पॉइंट में हम लोगों ने सेलिंग के लिए प्लान किया था, एक शार्प सेलिंग आया। अभी अगर हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट में, अभी तक कोई साइन नहीं है कि नहीं मंथली चार्ट में हाँ बहुत एग्रेसिव नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि जब तक इस तरीके का कैंडल नहीं मिलता, यहां पर इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, ये बड़े कैंडल जब तक नहीं मिलते तब तक हम लोग एग्रेसिव सेलिंग एटलीस्ट इन मंथली कैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग कैंडल का लेंथ देखोगे, साइज देखोगे, जो मोमेंटम दिया है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था लास्ट मंथ, तो अभी हम लोग का प्लान क्या होना चाहिए। अगर मंथली कैंडल के हिसाब से देखेंगे, अगर आपको नेगेटिव प्लान करना है तो 38,000 के नीचे ही हम लोग कहीं पे नेगेटिव प्लान करेंगे, इसके ऊपर मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो जनरली क्या होता है, इमेजिन करो कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनाए, लेट्स इमेजिन मार्केट अप ट्रेंड में था, इस तरीके का पैटर्न बनाए, ये जनरली कंटिन्यूएशन के लिए होता है। यहां पर अगर देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में था, पॉज किया, तो ये कंटिन्यूएशन के लिए भी हो सकता है। तो यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा रखना, ये नहीं कि एग्रेसिव सेलिंग करके बैठ जाए, क्योंकि मंथली कैंडल में ऐसा कोई कंफर्मेशन एज सच है नहीं। अभी अगर आप लोग देखोगे लास्ट टाइम यहां पे समय अराउंड एक कैंडल आपको बना था, लेकिन प्रीवियस कैंडल अगर आप देखोगे, ये कैंडल भी बुलिश था, समय अराउंड ये कैंडल भी बुलिश ही माना जाएगा, दो इट्स अ रेड कलर, लेकिन बुलिश है क्योंकि एक अच्छा लोअर लेवल से बाइंग का प्रेशर आया था, और उसके बाद फिर से बुलिश था, और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल टाइप बना होगा, जिस तरीके से ये कैंडल बना है, पैटर्न बना, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में चला गया, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बहुत मैटर करता है। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको एग्रेसिव सेल करना है, दैट मीन्स अगर मंथली कैंडल देख के आप प्लान कर रहे हो, लेट इट क्रॉस 38,000, 37,500, 600, ये सारे लेवल आने दीजिए, फिर हम लोग एग्रेसिव सेल कर सकते हैं। मंथली चार्ट के अंदर थोड़ा सा डाइसी है, और जब भी मार्केट डाइसी है, वॉलेटाइल दिखता है, इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। देयर इज टू पॉसिबिलिटी, बहुत सारे लोग आके डायरेक्ट ट्रायंगल बना लेंगे, 500 हजार पॉइंट है तो 2000 पॉइंट का रेंज बन जाएगा, 2000 पॉइंट का रेंज बन जाएगा। बहुत सारे लोग ये टॉप में और बिलो ये प्लान कर लेंगे, या फिर उन लोगों का कुछ होगा 10% के हिसाब से या 5% के हिसाब से दोनों साइड कॉल पुट शॉर्ट कर लेंगे। इनमें इशू क्या होता है, ध्यान से सुनना जो पॉइंट्स मैं सारे बताने वाला हूँ। इमेजिन करो लास्ट मंथ अगर आप लोग इधर स्ट्रैडल किए होंगे या स्ट्रांगल किए होंगे, अगर आप स्ट्रैडल किए हो, मार्केट 38,600 से ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास गया, फिर रिवर्स आया और लो समय अराउंड 37,000 समथिंग लगाया, फिर ये जाके मिडिल में क्लोज हुआ। जितने लोग स्ट्रैडल भी क्रिएट किए होंगे उन लोगों को बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़ा होगा, जितने लोग मंथली चार्ट में ट्रेड करते हैं, जिन लोग स्ट्रैंगल भी ट्रेड करते होंगे, बहुत सारे एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ा होगा। हो सकता है एक लेवल पे आप एक लेग इसलिए छोड़ दिए होंगे कि नहीं हाँ ये और रिवर्स नहीं आने वाला है, बहुत ऊपर चला गया, लेकिन फिर सडनली ये फॉल होना स्टार्ट हुआ, तो ये कॉम्प्लिकेशन हमेशा रहता है। तो इसके लिए मैं क्या प्लान करता हूँ, जनरली वन साइड पहले प्लान करता हूँ, फिर दूसरा लेग बाद में ऐड करता हूँ, क्योंकि दूसरा लेग ऐड करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज चला गया, आपको एक लेग अगर आप लेट्स इमेजिन सी शॉर्ट किया, साइडवेज चला गया, तो भी पैसा मिल सकता है। अगर ये वोलेटाइल हुआ आपके पास आ गया, आप पी ऐड कर सकते हो। अगर ये डायरेक्शन में चला गया आपके फेवर में, तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। एक कंडीशन में ज्यादा रिस्क हो सकता है, जिस दिन आपने ट्रेड लिया उसी दिन ही 500 हजार 2000 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला गया, तो एडजस्टमेंट का ज्यादा स्कोप नहीं रहता, इसमें एसएल देके निकाल सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन आपके फेवर में हमेशा रहेंगे। तो चलिए हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, अभी कहां पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। पहले हम लोग कैंडल देखेंगे कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इट्स वेरी इजी। अभी अगर आप लोग देखोगे समवेयर ऑन 41,000 के आसपास कहीं पे, यहां पे आपका एक एम पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, तभी हम लोग एग्रेसिव सेल किए। और यहां से अगर इसको रिकवर करना है, तो अगर डेली चार्ट के अंदर देखेंगे रिकवर किस तरीके से होता है, डाउनफॉल किस तरीके से हुआ, एम पैटर्न बना के हुआ, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से थोड़ा सा पॉज करे, फिर ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ। अगर ये पैटर्न बन रहा है, तभी हम लोग प्लान करेंगे कि नहीं हाँ ये थोड़ा सा बुलिशनेस में आ चुका है, क्योंकि ये अपसाइड मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। इतना बड़ा सेल ऑफ आया, उसके बाद ये पुल बैक में हम लोग एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। इसके बाद अगर ये फिर क्रॉस करता है, दिस इज द प्लेस ऑफ एग्रेसिव बाइंग। हो सकता है कल एक पॉज कैंडल यहां पे बनाए, इनसाइड कैंडल बनाए, फिर ब्रेकडाउन होने के बाद फिर हम लोग एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बिल्ड हो जाएगा, डाउन साइड लोअर लो फॉर्मेशन करना
स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स हम लोग को प्लान क्या करना चाहिए, अगर आप लोगों को लेट्स इमेजिन ऑप्शन सेलिंग का प्लान करना चाहिए, मंथली चार्ट में आप प्लान कर रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को जो भी ऑप्शन मिल रहा होगा समय अराउंड 40,800 या 41,000 इसी लेवल के आसपास, या फिर 40,800 का इमेजिन करो, कॉल आपको मिल रहा होगा इमेजिन करो 300 से 500 रुपये का कुछ मिल रहा होगा। अगर इस तरीके से चलिए देख लेते हैं हम लोग 40,800 का, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेंज देखेंगे, हम लोग मंथली चार्ट में चले जाते हैं, मंथली में 40,000 के आसपास यहाँ पे मैं एट द मनी आउट ऑफ द मनी 30-30 ले लेता हूँ, और ये मैं फायर्स टर्मिनल में आपको एनालिसिस बताता हूँ, थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू टाइप प्लेटफॉर्म है, एंड यहाँ पे 40,800 समय अराउंड जैसे मैं बता रहा था इमेजिन करो चलो 300 रुपये का 40,500 चल रहा है, तो हम लोग का क्या प्लान हो जाना चाहिए, पहले मैं 40,500 का एक कॉल शॉर्ट कर लूंगा, और जितने लोगों को यहाँ पे अकाउंट खोलना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में एटलीस्ट एनालिसिस करने के लिए इसको खोल सकते हो, क्योंकि इट बिकेम वेरी इजी अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल कर आउट ऑफ द मनी भी बाय हो जाता है, तो आप ये सारे इजीली एक प्लेटफॉर्म में हो जाएगा, अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ 40,500 हम लोगों ने शॉर्ट किया है, कॉल बस शॉर्ट किया और कुछ नहीं प्लान किया है, शॉर्ट किया है। तीन कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ से ये डायरेक्टली 40,500 आ जाए, या फिर यहाँ पे साइडवे चला जाए, या फिर ये नीचे की तरफ आ जाए। साइडवे चला गया तो 40,500 के आसपास 300 रुपये मिल रहा है, विच इज नॉट बैड, तो हम लोग को 300 रुपये पूरा मिल जाएगा। अगर डायरेक्शनल नीचे की तरफ चला गया 300 रुपये पूरा मिल जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ते गया तो कौन से कंडीशन में जा रहा है, क्या ये एक दिन में जा रहा है, क्या ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के जा रहा है, क्या ये स्लो एंड स्टडी मंथ एंड तक गया, तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक हम लोग को प्रॉफिट निकल चुका होगा। अगर बहुत फास्ट आ गया, इमेजिन करो एक या दो दिन के अंदर 40,500 अगर मार्केट आ गया, दैट मींस आप लोगों को 40,500 का इमीडिएटली पी ऐड कर लेना है, एंड 40,500 कॉल पुट दोनों होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर यहां तक गया, यहां पे अगर सपोर्ट नहीं मिला इसको, तो डेफिनेटली 41,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। आप इमेजिन करो मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, मार्केट नीचे आया आप फिर सोच रहे हो 41,000 इस तरीके से मूव नहीं करता, इसके बीच में 2-4 दिन पॉज लेने वाला है और ऑप्शन सेलर्स इसी का फायदा उठाने वाला है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 40,500 आपने शॉर्ट किया, अगर ये डायरेक्टली पहुंच गया एक या दो दिन के अंदर, आपने पीई ऐड कर लिया, क्योंकि कॉल जितना आपने शॉर्ट किया है पीई के लिए ज्यादा मार्जिन नहीं लगने वाला। अगर नहीं मिला तो 300 रुपये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो डेफिनेटली आप लोग एट द मनी के आसपास भी कुछ शॉर्ट कर सकते हो, वहां पे भी प्रीमियम मिल सकता है, या फिर आप लोग 39,000 या फिर 38,000, क्योंकि यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहां पे पीई ऐड कर सकते हो, विच विल बिकेम ए ट्रायंगल। अगर आप डायरेक्टली पहुंच गया तो आप स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हो, लेट द मार्केट डिसाइड कि ना आप क्या क्रिएट करना चाहिए, पहले से प्री डिटरमाइंड होना ही नहीं है। हमारा एम ये है कि हाँ यहां पे एक रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? मार्केट जब यहां इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली फॉल किया, तो डेफिनेटली यहां पे सेलर एक्टिवेट हुए थे, जब ये टच करेगा तो यहां पे रेजिस्टेंस बनेगा, तो हम लोग पहले से रेजिस्टेंस शॉर्ट करके रखें। अगर ये डायरेक्टली आ गया हम लोग पी ऐड कर लेंगे, और अगर नहीं आया तो फिर इससे पैसा मिल जाएगा। अगर यहां से थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो हम लोग 37,300-400 रुपए में भले क्यों ना मिले, हम लोग उसको अगर शॉर्ट करेंगे 300-400 रुपए मिल सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सेटअप आप खुद क्रिएट कर सकते हो, बस प्राइस को समझने की कोशिश करो, इट विल बिकम वेरी इजी। आई होप ये पॉइंट आपको, अगर आपको डर लग रहा होगा 40,500 नहीं थोड़ा सा पास है, तो आप 41,000 का शॉर्ट कर दो, 100-150 रुपए मिला, कॉन्फिडेंटली कमाओगे, दैट्स मैटर्स अ लॉट। बस आपको एनालिसिस के ऊपर दोनों साइड प्लान करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी या डायरेक्शनल अगर आ गया तो फिर आप एडजस्टमेंट में निकल जाओगे, और मार्केट इज वेरी सुप्रीम, कभी भी आपको हो सकता है कल 44,000 अगर चला गया, हाँ इमेजिनरी लगता है नहीं जा सकता, लेकिन एक मंथ अगर ऐसा चला गया आपके एडजस्टमेंट के कारण, इसमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। अगर ये 44,000 भी चला जाए, जब ये क्रॉस कर रहा होगा यहाँ पे, हम लोग अगर एसएल देके निकाल दे तो फिर आपका लॉसेस कम रहेगा। तो मार्केट में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट प्लान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोग करते हैं, रेस्पेक्ट देम एवरीवन, बट मेक श्योर कीजिए कि आपका अकाउंट साइज बहुत कम है, इट्स ऑलवेज बेटर एसएल टू अ परफेक्ट या फिर प्रॉफिट मिल गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप मंथली प्लान कर सकते हो। और जिन लोग बाइंग करते हैं मेक श्योर करना 1:1, 1:2 इस तरीके से प्लान करना। अभी अगर आप लोग देखोगे वीकली एनालिसिस में यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो था, मैंने आपको बताया था नेगेटिव है, तो थोड़ा सा हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे डाइसी मूव हुआ है, एक आपको नेगेटिव दिखा और इमीडिएटली, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव दिखा इमीडिएटली बाइंग, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, दैट मीन्स हम लोगों का 40,000 से लेकर 38,000 इसी रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है, तो हम लोगों को अच्छा ही है, क्योंकि अभी एक पॉज कैंडल बना सकता है। पॉज
इन द सेंस हो सकता है आपको इस तरीके का कोई डोजी कैंडल बनाए या फिर थोड़ा सा बुलिश कैंडल अगर बनाएगा इस तरीके का बनाए, बट बहुत बड़ा रेंज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करें क्योंकि दोनों लास्ट 2 वीक में बहुत बड़े मोमेंटम आ चुके हैं। 3 से 4 वीक का मोमेंटम 2 वीक में खत्म हो चुका है, दैट मीन्स थोड़ा सा भी स्लो डाउन होने का चांसेस है। कहीं पर भी इनसाइड कैंडल मिले हम लोग को नेक्स्ट वीक मोमेंटम मिलने वाला है। इमेजिन करो यहाँ पे अगर डेली कैंडल यहाँ पे बनाए, कल अगर गलती से गैप डाउन खुलता है यहाँ पे तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं कल हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल मिल सकता है। कल अगर इनसाइड कैंडल मिला हम लोग नेक्स्ट डे के लिए ज्यादा अच्छे से प्लान करेंगे रादर देन मंडे के दिन आप एग्रेसिव प्लान करोगे अरे गैप डाउन खुल गया बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट है, इट्स ऑलवेज बेटर लेट इट क्लोज। अगर इनसाइड कैंडल बना नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेड करेंगे लेकिन अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कल के दिन अगर गैप डाउन खुला तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी रेयर कि हम लोग को बहुत अच्छा ट्रेड इंट्राडे में मिलेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं थोड़ा सा पॉज कर लेंगे। चलिए हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखते हैं एग्जैक्टली कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे आपको यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल मिला होगा, 2 दिन से हम लोग कंटिन्यूसली यही डिस्कस कर रहे थे मार्केट रिवर्सल हो सकता है और मैं आपको बता रहा था कि नहीं भले यहाँ से 1000 पॉइंट चला जाए मैं कम क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आता है 37,800 के ऊपर एक कैंडल 5 मिनट का भी कैंडल क्लोज करता है 100-150 रुपए या फिर 70-80 रुपए का एसएल डाल के हम लोग प्लान कर सकते हैं, बड़ा मोमेंटम आ सकता है। या फिर 5 मिनट ग्रीन कलर कैंडल पे अगर आप लोग ट्रेड प्लान करोगे तभी भी बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि लास्ट 2 वीक से हम लोग इसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे कि नहीं ग्रीन कलर कैंडल के बाद हम लोग को बाय करना है क्योंकि हम लोग एक रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे थे। यहाँ पे इतने लोग बाय किए होंगे नो डाउट बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा दिस बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, ऑप्शंस में माइट भी क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे प्रीमियम के कारण ये मे बी एसएल हिट किया होगा, लेकिन री एंट्री हमेशा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे फेवर में जा रहा है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक रिवर्सल हो। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट बहुत बड़ा रिवर्सल आ चुका है, मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे सपोर्ट है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है तो ज्यादा ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे, विल गोइंग टू इग्नोर द ट्रेड, लेकिन एक जगह पे ट्रेड हो सकता है। इमेजिन करो 38,600 के आसपास ओपन हुआ एंड 38,750 क्रॉस कर रहा है तब हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 70-80 रुपये का एसएल डाल के, ये जब 800 क्रॉस करेगा ट्राई करेगा पहले 39,000 टच करे, तो 39,000 टच करने से 20-30 रुपए रहेगा तब हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, दैट मीन्स 1:2 का एक ट्रेड मिल सकता है। कब? ये जब 38,600 के ओपन ऊपर हो एंड 38,750 क्रॉस करे तभी हम लोग प्लान करेंगे। गैप डाउन खुल गया हम लोग इग्नोर करेंगे और गैप अप खुल गया तो एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है क्योंकि बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड में है। 39,000 के आसपास जैसे मैं आपको बताता हूँ राउंड लेवल के प्लस माइनस 100 पॉइंट के आसपास, अगर लेट्स इमेजिन 39,000 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल आपको मिल जाता है 5 मिनट चार्ट्स में, यहाँ पे हम लोग एक सेल कर सकते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, और फिर से ये नीचे की तरफ रिट्रेस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लैट खुला गैप अप खुला तभी हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज गैप डाउन खुल गया हम लोग ट्रेड इग्नोर कर देंगे। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी भी सिमिलर प्लान होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे क्लियरली आपको इस रेंज पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, दैट मीन्स 17,600 के आसपास आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे किस तरीके से रिकवर करता है, अगर डबल पैटर्न बना के रिकवर किया तो हम लोग 17,000 का पी ऐड कर सकते हैं, अगर ये डायरेक्टली चला गया 17,600 का पी ऐड कर लो, अगर ये साइडवेज गया या फिर नीचे आ गया तो यहाँ पे इतने प्रीमियम होंगे आप लोग प्लान कर सकते हो। चलिए आप लोग 15 मिनट चार्ट में देखते हैं, 15 मिनट चार्ट में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सिमिलर फ्लैट खुला इसी लेवल के आसपास खुला, हम लोग समय अराउंड 17,180 के आसपास बाइंग का प्लान कर सकते हैं और 25-30 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हम लोग का टारगेट होना चाहिए, लेकिन मैं बैंक निफ्टी रिकमेंड करूंगा क्योंकि 39,000 एक राउंड लेवल है, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो 39,000 टच करने का कोशिश करेगा, अगर गैप डाउन खुल जाता है 17,000 के आसपास साइकोलॉजी लेवल है तो इसी लेवल के आसपास फंस जाएगा मार्केट, तो एक दिन हम लोग छोड़ देंगे एक इनसाइड कैंडल बनने देंगे फिर उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप खुला तो बैंक निफ्टी थोड़ा सजेस्ट होगा क्योंकि राउंड लेवल के आसपास। तो चलिए भी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, पहला स्टॉक है लुपिन, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे ब्रेकआउट दिख रहा है 680 के ऊपर एक प्लानिंग हो सकता है बाइंग के लिए, 2-3 रुपए स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है आईओसी, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे देखिए बहुत प्रैक्टिकल जिस तरीके से हम लोग डब्ल्यू पैटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे सेलिंग कंटिन्यूसली आया, फर्स्ट पुल बैक में हम लोग बाई नहीं करते, उसके बाद ये फिर से सेलिंग के लिए आया, नेक्स्ट टाइम ये कैंडल ट्राई कर रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर निकलने के लिए। अभी अगर आप लोग देखोगे यहाँ से ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास जा चुका है,
तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, ये क्रॉस करने के बाद हम लोग बाई कर सकते हैं। 67 के ऊपर हम लोग का प्लान होना चाहिए, 1 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। मैरी को एक वीकली बेसिस में पोजिशनल ट्रेड दिख रहा है, अगर आप लोग देखोगे बहुत ही अच्छा मतलब पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप लोग देखो बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है, ये चार्ट यहाँ पे स्क्वीज हुआ है, और लास्ट वीक अगर आप लोग देखोगे 5:10 से लेकर 5:30 ऑलमोस्ट 7-8 वीक ट्रेड किया है। और ये सारे वीकली एनालिसिस से अगर वीकली में देखेंगे तो दैट मीन्स ये अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। इन दिस कंडीशन हम लोग को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिख रहा है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 545 के आसपास हम लोग का बाइंग प्राइस होना चाहिए एंड 525 के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस या 520 समवेयर अराउंड 25 रुपीज का एसएल होना चाहिए। 25 रुपीज एसएल इनटू क्वांटिटी, अगर यह आपका जस्टिफाई लग रहा है तभी ये ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि हर एक ट्रेड लॉसेस में जा सकता है। अगर 25 रुपये इंटू क्वांटिटी आप जस्टिफाई लग रहा है कि नहीं हाँ 1000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ या 2000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ तभी ये प्लान करना, क्योंकि ट्रेड अच्छा दिख रहा है। कोई जगह पे रुका है, मार्केट मोमेंटम कर रहा था, एक जगह पे पॉज लिया, अगर यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा, लास्ट टाइम एक ब्रेकआउट दिया था, अभी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, 545 क्रॉस करे उसके बाद 550 है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज किया दैट मींस इट्स अ कंफर्म ब्रेकआउट। आप लोगों का ट्रेड यहाँ पे है, स्टॉप लॉस हमारे 520-25 के आसपास है, यहाँ से 1:2 हम लोग 600 के आसपास प्लान कर सकते हैं या फिर 590 के आसपास, क्योंकि ये लेवल के आसपास ऑल टाइम हाई है, तो एक अच्छा 1:2 हम लोग को मिल सकता है। 25 रुपये का हम लोग का एंट्री, 550 में आप लोग एंट्री किए, 50 रुपये दैट मीन 600 के आसपास हम लोग का कहीं पर टारगेट अगर बना तो एक अच्छे लेवल पर भी जा सकता है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो चला तो लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर अगले इतना ही, थैंक यू।